नमस्कार, विराट के बघेली बुलेटिन में स्वागत है। हम हैं पूजा। मऊगंज थाना के नियरे एक थे 14 साल के नाबालिग के साथ 7 दिसंबर का एक आरोपी घर में घुस के दुष्कर्म करिस। घर के सब जने उस समय खेती करेगे रहे, पीड़ित और उकर भाई घरे में रहे। जब घरे के लोग आए तो बिटिया बेहोश पड़ी रही और दुष्कर्म के बाद आरोपी भाग चुका रहा। बिटिया का नियरे के अस्पताल ले जावागा, जहाँ हालत गंभीर हुए के कारण उनका संजय गांधी अस्पताल खातिर भेज देंगा है। वहीं पुलिस का पता चला तो पुलिस अस्पताल में पहुंची है और मामला के जांच में ही जुटी है। कांग्रेस युवा नेतन का जानकारी मिली तो अस्पताल में पहुंच के परिजनन का धाड़स बधाई और दुराचारी का गिरफ्तार करे के मांग करी नहीं भाई। तो जौन है तो हम घर में नहीं सर, जौन है तो किसानी में रहे और राकेश जौन है तो जब हम आए तो ये पता चली हमको, तो हम घर में आए तो वो हमको मिला नहीं, वो कहाँ गए कहाँ नहीं। वो जब आप घर में आए तो बच्ची की हालत कैसी थी? हाँ तो भी सो गंभीर थी, वो बोलती नहीं है। हॉस्पिटल लेके हम आए थे। अभी तक क्या कार्रवाई हुई, पुलिस ने रिपोर्ट हुई आपकी? कुछ भी नहीं सर, अभी रिपोर्ट नहीं हुई, कुछ भी नहीं। आरोपी का नाम क्या है? राकेश। रीवा के सिरमौर तहसील के बड़ीडीह गांव के आदिवासी किसान अपने गुजर बसर करे खाते सिमरिया बड़ीडीह के शासकीय खाली पड़ी जमीन में ही 5 एकड़ पट्टा के मांग करे नहीं बे। जानकारी दें के 1972 के पहले मेडिकल कॉलेज के जमीन में के वो पुश्तैनी निवासी रहे, लेकिन मेडिकल कॉलेज बनवावे के समय उनका बड़ीडीह भेज देगा और तब से वो सब यहाँ बस गए। यही खातिर रीवा कलेक्टर और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप के उक्त जमीन में ही पट्टा के मांग करी नहीं, जोने से उनका जीवन सरल हो सके। आपका वृंदावन कहाँ से आए हैं? पुराना से। किस थाना क्षेत्र? थाना रायपुर प्रक्रिया से। क्या मामला है? मामला ये जमीन सरकारी बट रही पूर्वा में। जी जी। उसी मामले में हम लोग फार्म भर रहे हैं। हाँ। तो बटनवारा हो जाए, गरीब को दे दी जाए। आदेश हुआ है कि गरीब जितने हो फार्म भर भर के जमा करो, आपको बटनवारा हो जाएगा। रीवा में ही अवैध रूप से संचालित वाहनन के खिलाफ अभियान चलावा जा रहा है। जोने में अवैध रूप से चलावा जाए वाले करीब 104 अटवन का जब्त कीनगा है। अपना का बताई कि यह कार्रवाई उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार कीन जा रहा ही। अपनो देखी यह कार्रवाई और कार्रवाई के संबंध में अधिकारी का कुछ बताए नहीं। लंबी कार्रवाई चलेगी मालूम? जी जी। एक हाँ साहब की चेकिंग लग रही है क्या आप? माननीय न्यायालय ने PIL ने ये आदेश जारी किया है कि ऐसे ऑटो जो कि अवैध रूप से संचालित हैं, अर्थात बिना परमिट के, ऐसे ऑटो पर सघन अभियान चलाया जाना है, उनसे कार्रवाई करनी है। आदेश के तारतम्य में ये कार्रवाई चल रही है, ये कार्रवाई निरंतर जारी हुई है। सर अभी कितनी ऑटो में चलान कार्रवाई हुई है? अभी तक में 104 ऑटो हम लोग जब्त कर चुके हैं और आज सुबह की जो कार्रवाई हुई अभी तक 15 ऑटो जब्त की जा चुके हैं और कार्रवाई निरंतर चल रही है। अगली खबर अब है त्योंथर तहसील के सुहागी थाना के मजगवा गांव से, जहां सोनू द्विवेदी नामक महिला के साथ पड़ोस में रहने वाला देवर महिला के चरित्र में लांछन लगाए के अपने पत्नी के साथ मिलके उनके साथ मारपीट करा था। पीड़िता बताएं कि अपने लड़का बच्चन के साथ यहां रहती है और उनका पति परिवार के पेट चलावे खातिर बाहर रहा था। आरोपी गगन अपने पत्नी सीमा के साथ मिलके आए दिन महिला के साथ मारपीट करा था और उनका जान से मारे के धमकी दे था। पीड़िता महिला थाना में जाए के रिपोर्ट दर्ज करवाई और अपने जान माल के सुरक्षा के गुहार लगाई है। सुनी पीड़िता का कुछ बताएं। करने आई है आज तक महिला थाना? आपकी विवाह की कुछ घटना शिकायत करनी है। क्या हुआ है, कौन परेशान कर रहा है? हमारे परिवार परेशान करते हैं यार, हमेशा मारते हैं, पीटते हैं और बोलते हैं, गाली देते हैं और गलत गलत गालियाँ देते हैं, बोलते हैं कि ऐसे है ऐसे है, और मेरी देवरानी भी गाली देती है। किस कारण से, क्या विवाद चल रहा है? विवाद चल रहा है घर के बंटवारे के।
मारपीट किए हैं? हाँ मारपीट की थी, गाली भी दी थी। क्या नाम है उनका, देवर का? देवर का नाम है गगन द्विवेदी। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग हैं सुहागी के। कौन सा थाना लगता है? थाना सुहागी। ठीक है, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम सोनी द्विवेदी है। देखिए रीवा के तमाम खबर अब बघेली में। नमस्कार।